हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करते हैं आज फिर से एक और नए वीडियो में। दोस्तों, हमारे बहुत सारे भाई बहन ये कमेंट्स करते हैं कि क्या एक मसीही को केवल मांस ही खाना चाहिए, क्या वो साग पात या हरा साग सब्जी नहीं खा सकता है। तो जरूर खा सकता है भाई, क्यों नहीं खा सकता है। हमारे बहुत सारे भाई बहन ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेकर खड़े हो जाते हैं जो कि मैंने पहले इसके बारे में बताया है वीडियो में, लेकिन फिर भी लोग सवाल पर सवाल सवाल पर सवाल खड़े किए जाते हैं। तो दोस्तों, आइए हम जानेंगे इस वीडियो में। ये वीडियो मैंने इसीलिए तैयार किया है कि एक मसीही को क्या क्या खाना उचित रहेगा, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, बाइबल जो परमेश्वर का वचन है, ये किसी भी व्यक्ति को खाने पीने के लिए बाध्य नहीं करता है। चाहे कोई भी व्यक्ति शाकाहारी खाए या मांसाहारी खाए, है ना, वो खा सकता है। यदि उसकी इच्छा है तो वो खा सकता है। अब ये बात परमेश्वर ने मनुष्य को किस कंडीशन में कहा था कि यदि अब तुम चाहो तो मांस भी खा सकते हो, आज हम इसके बारे में जिक्र करेंगे और बाइबल से देखेंगे कि परमेश्वर ने आखिर मांस खाने की आज्ञा क्यों दिया था। तो आशा करता हूँ कि वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे और वीडियो को पूरा देखेंगे पूरी बात समझने के लिए, ठीक है ना दोस्तों। देखिए, वैसे तो कोई भी इंसान इस दुनिया में रहते हुए बिना जीव हत्या किए नहीं रह सकता है भाई। यदि इस दुनिया में रहना है तो सबसे जीव हत्या हो ही जाते हैं और इंसान को उसका मांस भी खाना पड़ता है, जाने या अनजाने में उसका मांस खाना ही पड़ता है, यदि कोई इंसान इस बात को माने या ना माने। आज आप देखते होंगे कि जो हम दवाइयाँ खाते हैं, वो दवाइयाँ जो हैं कैसे तैयार किया जाता है, उन्हीं जानवरों को मारकर बनाया जाता है, है ना। तो यदि आप इतने बड़े शाकाहारी हैं तो भाई दवा मत खाइए ना। हम जब देखते हैं तो सांप, मच्छर, कीड़े मकोड़े, मतलब इंसान जानबूझकर करे या अनजाने में करे, वो उसकी हत्या करते ही रहता है। हम अपने घर से जब बाहर निकलते हैं तो बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो हमारे पाँव के नीचे दबकर मर जाते हैं। तो भाई हम गलती करते हैं तो उसको मानते क्यों नहीं है, ये सबसे बड़ी कमी है। हम जब पानी पीते हैं या अनाज खाते हैं तो क्या उसमें जान नहीं होता है, उसमें जीव नहीं होता है। इंसान उस चीज़ को करते जाता है, लेकिन भैया हम उस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है। हम मानेंगे नहीं, हम करेंगे। देखिए, परमेश्वर को आपके बारे में सब कुछ मालूम है, आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। आज बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, यदि वहाँ के लोग मांस नहीं खाएंगे तो वाकई में वैसे ही मर जाएंगे। मतलब ये नहीं है कि हम क्या खाते हैं क्या पीते हैं, मतलब ये है कि हम परमेश्वर का जो योजना है, परमेश्वर का जो उद्देश्य है, हम उसको पूरा करते हैं कि नहीं, जो उसका सुसमाचार है उसका काम हम करते हैं कि नहीं। देखिए, परमेश्वर ने तो शुरुआत में यही कहा था कि इंसान को साग पात ही खाना है, परमेश्वर ने कहा था। जब हम उत्पत्ति अध्याय 1:29 में पढ़ते हैं तो ये बात लिखा हुआ है, परमेश्वर ने कहा है कि तुमको साग पात ही खाना है, जो बीज वाले फल होते हैं वही एक इंसान को खाना पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर ने किस कंडीशन में कहा है कि यदि मनुष्य चाहे तो वो मांस भी खा सकता है। जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति अध्याय 9:3-4, तो यहाँ परमेश्वर जो है नूह से कह रहा है, जब पृथ्वी पर 40 दिन तक जलाजल हो गया, प्रलय हो गया, उसके बाद नूह के पास खाने को साग पात नहीं थे, हरे साग सब्जियां नहीं थे, तो नूह को मजबूरन उसने जो जानवर इकट्ठा किए थे, पकड़ के लाए थे और जहाज में उस नाव में रखे थे, परमेश्वर ने कहा यदि तुम चाहो तो अब इन जानवरों का मांस भी खा सकते हो, क्योंकि भाई नूह और नूह के परिवार उस नाव में, और 40 दिन का दिन कम नहीं होता है मेरे भाई, ऐसे में तो इंसान मर जाएगा। यहाँ जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति अध्याय 9:3-4, तो यहाँ परमेश्वर कहते हैं, सब चलने वाले जंतु तुम्हारा आहार होंगे, जैसे तुमको हरे हरे छोटे पेड़ दिए थे वैसे ही अब सब कुछ देता हूँ, पर मांस को प्राण समेत अर्थात लहू समेत मत खाना, है ना। आगे लिखते हैं, और निश्चय मैं तुम्हारा लहू अर्थात प्राण का बदला लूंगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम किसी इंसान का लहू मत बहाना, मैं उसका बदला तुमसे लूंगा, सब पशुओं और मनुष्यों दोनों में से मैं उसे लूंगा, मनुष्य के प्राण का बदला मैं एक एक भाई बंधु से लूंगा। मेरे प्रियो, हम किसी
इंसान का लहू नहीं बहा सकते हैं। ऐसा करना परमेश्वर घोर अपराध समझता है। आगे लिखते हैं, जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा उसका लहू मनुष्य ही से बहाया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाया है। परमेश्वर ने कैसे बनाया है इंसान को? अपने स्वरूप के अनुसार बनाया है। अपने स्वरूप का मतलब ये हुआ कि परमेश्वर के अंदर क्या है? परमेश्वर के अंदर आत्मा है, और वही आत्मा परमेश्वर ने इंसान के अंदर भी दिया। मेरे प्रियो, जानवरों के अंदर आत्मा नहीं होता है। जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, या फिर जितने भी बैक्टीरिया वायरस होते हैं, इन सब के अंदर आत्मा यानी कि सोल नहीं होता है। यदि इस वीडियो को कोई दूसरे धर्म का भाई बहन देख रहा होगा तो हो सकता है उनको बुरा लग सकता है, क्योंकि उनके धर्मों में यही सिखाया जाता है कि जानवरों के अंदर भी आत्मा होता है। लेकिन मेरे प्रियो, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने केवल इंसानों के लिए अपना लहू बहाया था। जो परमेश्वर का सुसमाचार है वो सुसमाचार जानवरों के लिए नहीं है, वो इंसानों के लिए, हमारे और आपके लिए है, ताकि जो कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से अपने पापों से मन फिराव करता है और परमेश्वर से अपने पापों का क्षमा मांग लेता है कि हे प्रभु, मैं एक पापी व्यक्ति हूँ, मुझे तू माफ कर, आज के बाद मैं कोई बुरा काम नहीं करूँगा, हमेशा तेरे वचन यानी इस बाइबल के अनुसार अपना जीवन जीऊंगा, इसके अनुसार चलूंगा, तो उस व्यक्ति का क्या होता है? उस परमेश्वर के लहू से जो उसने क्रूस पर अपना बलिदान दिया था, उससे उसका पाप क्षमा हो जाता है। तो जैसे इंसान के अंदर आत्मा है, वैसे जानवरों के अंदर आत्मा नहीं है, जैसा कि बाइबल सिखाता है। मेरे प्रियो, हमारे चर्चों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि शुद्ध शाकाहारी हैं, मतलब वो केवल साग पात ही खाते हैं, जो भी उनको मिल जाता है, दाल चावल, मतलब वो पूरी इच्छा से संतुष्टि से खाते हैं, लेकिन प्रभु पर विश्वास करते हैं। प्रभु यीशु के लहू से उन सबके पाप क्षमा हो चुके हैं। क्या वो इंसान नहीं? क्या वो पढ़े लिखे नहीं हैं? इंसान जो है खाने पीने से अशुद्ध नहीं होता है। जब हम मरकुस अध्याय 7:15 में पढ़ते हैं तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, ऐसी तो कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती हैं वे ही उसे अशुद्ध करती हैं। तो मेरे प्रियो, इन सारी बातों को आप लोग क्यों नहीं समझते हैं? जब हम इसी वचन को 21 से पढ़ते हैं तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोग दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्ट, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती हैं। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। मेरे प्रियो, मान लीजिए एक नई नई कार है, कार मोटर गाड़ी, वो दिखने में बहुत सुंदर है, उसमें सारे फीचर्स दिए हुए हैं, है ना, आप दूर से देख रहे हैं, वो धीरे 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 आपके पास आ रही है, आपके नज़दीक आ रहा है, लेकिन जब नज़दीक आता है तो आप देखते हैं कि पीछे से दो आदमी उसे धकेल रहे हैं, है ना, क्योंकि उसका इंजन ही खराब है, उसका मेन पार्ट तो खराब है ना, तो उसका जो है, जो दिखने में सुंदर उसका बॉडी लग रहा है, वो कार देखने में बहुत ही चमकीला है, बहुत ही मतलब देखने में लुभावना लग रहा है, किस काम का है? तो हमारा मेन पार्ट जो है, हमारा मन है, जो इंजन है, हमारा मन जो है, ये इंजन है, इसको हमें शुद्ध करना है। जब हमारा इंजन ही गड़बड़ रहेगा तो हम कैसे शुद्ध हो सकते हैं? किसी भी व्यक्ति को सबसे पहले मन की सुंदरता देखना चाहिए, कि उसके अंदर, उसके मन में क्या चल रहा है। यदि कोई भी व्यक्ति मन से सुंदर है तो उसका शारीरिक स्वभाव अपने आप बदल जाता है। इसीलिए यहाँ प्रभु कहते हैं कि जिसके मन में सारी बुराइयाँ भरी होती हैं, लोभ, लुचपन, क्रोध, निंदा, ये सब जो है इंसान को बुरी बनाती हैं। खाने पीने से तो कोई इंसान अशुद्ध या बुरा नहीं होता है। जो इंसान खाता पीता है वो संडास के रास्ते यानी उसके लैट्रिन के रास्ते बाहर निकल जाता है। एक मसीही व्यक्ति का उद्देश्य खाना पीना नहीं होता है, किसी भी व्यक्ति का उद्देश्य परमेश्वर होना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि परमेश्वर का काम पूरा हो रहा है कि नहीं, कोई भी व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कर रहा है कि नहीं। इंसान को तो जो भी उसके जीवन में नमक रोटी सुख रुख मिलेगा वो खाता रहेगा, अपना जीवन गुजारता रहेगा, लेकिन जरूरी यह है कि परमेश्वर का योजना जो है, उसके सुसमाचार का योजना पूरा हो रहा है कि नहीं।
तो दोस्तों ये एक छोटा सा वीडियो था जो कि हमारे बहुत सारे भाई बहन हमेशा ये कमेंट्स करके पूछते रहते थे। तो आशा करता हूँ कि आपको आपके प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। मिलते हैं कल फिर अगले टॉपिक में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की।